रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका, हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, आप हमारे लिए भले रहे हो, आपने हम पर दया दिखाई है, आपने हमें नया दीन दिया है, आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, आपने हमको नया जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें उसके कार्यों के लिए, आप धन्यवाद करें। हालेलुया, कर उसको धन्यवाद करें, वो दयालु है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। वचन वरन ऐसा कहता है, जैसे उदयाचल से अस्ताचल दूर है, उतने ही दूर उसने हमारे गुनाहों को किया है। आइए हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद करें, आवाज को उठाकर उसका धन्यवाद करें। हम तो शैतान के हाथों में पाप में पड़े हुए थे, दुखी थे, लाचार थे, यीशु ने हमें उन सारी बातों से छुड़ाया है। आइए धन्यवाद करें, आवाज उठाएं, आवाज उठाकर कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। रब शेरे खेले रे, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं जीवित हूँ, हम जीवित हैं प्रभु, हमें एक और दिन दिया कि हम तेरी महिमा का वर्णन कर सके, तेरे कामों के लिए धन्यवाद कर सके प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कहीं आवाज उठाकर कहिए, जो दया तूने मुझ पर दिखाई है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, शलेले रे बेखा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम निराश थे, नई आशा दी, रोगी थे, हमें चंगा किया प्रभु, हमारे लिए प्रबंध किया, हमारी गिरी हुई अवस्था से आपने उठाया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हुए हम आपके पास आते हैं प्रभु, मैं मेरे लिए और हम सब के लिए हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, आप हमारे सब के पापों को क्षमा करो आज, और मेरी और हमारी यह प्रार्थना है प्रभु, तेरी उपस्थिति में हमें और तेरे जैसा बना, और तेरे जैसा बना, पवित्रता में चलना सिखा, हम तुझे ढूंढ सके, तेरे करीब आ सके, और अधिक करीब आ सके प्रभु। हम अपने आप को, बोलिए मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ, तेरी महिमा मेरे से हो, तेरी मर्जी मुझसे पूरी हो, तो बढ़े प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप प्रभु में बढ़े और बढ़े? गंभीरता से अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने स्थानों पर उठ जाइए, अपने हाथों को उठाइए,
और आज कहिए कि प्रभु मैं तुझ में और अधिक बढ़ना चाहता हूँ, मैं और अधिक बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे और अधिक करीब आना चाहता हूँ। हाथों को उठाकर कहिए, मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझे और अधिक जानना चाहता हूँ, मैं और अधिक जानना चाहता हूँ, ताकि मैं उस गहराई से तुझे आराधना दे सकूँ, ताकि उस गहराई से मैं तेरी महिमा कर सकूँ। आज बोलिए, मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकूँ। पवित्र आत्मा मेरा कब्जा ले, मेरा कब्जा ले पवित्र आत्मा, उस प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जानने के लिए, और अधिक गहराई तक जानने के लिए, करीब से जानने के लिए, उसके करीब आने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, उस पवित्र स्थानों में मुझे ले चल, उस पवित्र स्थानों में ले चल जो यीशु पसंद करता है, जिनमें यीशु रहता है। आज कहिए, दिल से कहिए, उन पवित्र स्थानों में पवित्र आत्मा मुझे ले चल जहाँ यीशु की हुजूरी है, जहाँ यीशु की उपस्थिति है, जहाँ पर यीशु विराजमान है, उस पवित्रता के साथ मुझे आज तैयार करके मैं उसको महिमा दे सकूं। हालेलुया, आइए मिलकर हम प्रभु को महिमा दे, आराधना दे, स्तुति दे। हालेलुया, आज आप प्रभु के लिए उन सब बातों को छोड़ सके जो प्रभु को पसंद नहीं है, आज एक समर्पण के साथ आत्मा और सच्चाई से प्रभु के सम्मुख अपने आप को, अपने दिल को उंडे लिए, हम मिलकर के गाएंगे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। You.
वो भूख और प्यास नहीं रखोगे तब तक आप उस सच्चे परमेश्वर की उस गहराई से आराधना नहीं कर सकते, उस गहराई से, उस प्रेम से आप उसकी आराधना नहीं कर पाओगे। आज कहिए, प्रभु मुझे वो भूख और प्यास दे, मैं तेरी उपस्थिति का प्यासा हो जाऊं। कहिए, चिल्ला कर कहिए उससे कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति का प्यासा हो जाऊं, तेरे बिना मेरा मन रहना ही ना चाहे। कितने लोग हैं जो आज कहना चाहते हैं, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए,
थे और मछलियां पकड़ रहे थे और शायद उन्होंने पूरी रात जाल डाला था तो भी उनके मछलियां नहीं आई थी। और यीशु उनके पास गए और वो वहां एक नाव में बैठकर उनसे कुछ बातें की, विश्वास की बातें की और उनको उपदेश दिया। और यहाँ चौथी आयत में लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और अब मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। प्रियो, जब हमें कुछ अद्भुत चीजें चाहिए, मोती चाहिए, कुछ खास चीजें चाहिए, गहराई में जाना जरूरी है। आज आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे गहराई में ले चल, अपने आवाज उठाकर कहिए, यीशु मुझे गहराई में ले चल। और यहां पर शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उन लोगों ने सारी रात मेहनत की लेकिन कोई मछली उनका पकड़ में नहीं आई, लेकिन जब यीशु ने कहा गहराई में चलो, गहराई में चलो, उन्होंने यीशु की बात को माना। यहाँ पर यीशु के कहने से पतरस ने वापस से कहा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह की ओबीडियंस में चले। आज यीशु आपसे कहता है, गहराई में चल, गहराई में जा। कितने लोग गहराई में जाना चाहते हैं आज? कई दिन से मैं कहती हूँ, प्रभु मुझे और गहराई में ले चल, मुझे और गहराई में आना है और करीब से तुझे जानना है। कितने लोग कहते हैं, प्रभु मैं और गहराई में, और गहराई में। पतरस ने जब यीशु की बात मानी और गहराई में जाकर उसने जाल डाला, बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाए। हम जब गहराई में जाएंगे तो इसके मोती हमको मिलेंगे, वो हीरे मोती जब हम गहराई में जाएंगे इससे मिलेंगे। आज कही है, प्रभु मुझे और गहराई में जाना है, और गहराई में जाना है। पतरस ने यीशु की आज्ञा को माना, उसने जो कहा वो किया। कितने लोग कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं तेरी बात को मानकर और गहराई में जाऊंगा, उन सब बाहर के लोगों की बातों को छोड़ दूंगा जो मुझे दुनिया की सलाह देते हैं, मैं तेरे वचन जो मुझे सलाह देता है वो करूंगा। आइए हम कहेंगे, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। प्रिय, ये परमेश्वर का वचन ऐसा ही है, जितना हम इसको जानेंगे, हम प्रभु को जानेंगे और उतना ही उसके करीब हम आएंगे, और जितना हम उसको चाहेंगे, ये जो आशीष हैं इसमें वो सब प्रभु हमें देगा।
आपसे कहना चाहती हूँ, आप में से यदि कोई ऐसे हैं जिनकी संसार के लोगों के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गहरी फ्रेंडशिप है संसार के भाई बहनों के साथ, आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप विश्वासी हैं और आपका प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए। आप विश्वासी हो, आप प्रभु को जानने वाले हो, लेकिन आप प्रभु का प्रभाव उन पर नहीं छोड़ सकते। आप यीशु मसीह के आपका प्रभाव आप उन पर नहीं छोड़ सकते और उनका प्रभाव आप पर ज्यादा हावी है। तो मैं आज प्रभु की उपस्थिति में होकर कहना चाहती हूँ, ऐसे दोस्तों को आप छोड़ दीजिए। वो आपको उनकी बातों में ले जाएंगे, आपको प्रभु से दूर करेंगे, वो आपको गलत चीजें करने के लिए मोटिवेट करेंगे। उदाहरण के लिए वो बोलेंगे, अरे पिक्चर देखने से क्या होता है, सीरियल देखने से क्या होता है। वो गलत बोलेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखने से क्या होता है, पूरी दुनिया ऐसी है, तू कौन से जमाने में जी रही है, कौन से जमाने में जी रहा है। वो हर गलत काम करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आपका प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता है, और उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप पूरे वर्ल्डली हो जाओगे। आज मैं यहां से आपको कह रही हूं, ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए, ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए। आप प्रभु से अनुग्रह मांगिए, आप प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में जीना है, मुझे तेरे संग संग जीना है, पवित्रता में बढ़ना है, मेरे एक एक छोटी छोटी बात में मुझे पवित्र रहना है। कितने लोग हैं जो ये भूख रखते हैं कि प्रभु मुझे छोटी छोटी बात में पवित्र रहना है, मुझे हर बात में पवित्र रहना है, मेरी बातों में, मेरे ख्यालों में, मेरे विचारों में, मेरे बोले में, मेरे उठने बैठने में, मेरे चलने फिरने में, मेरे सोचने में, सब बातों में पवित्र रहना है प्रभु। पवित्रता में चलने के लिए प्रभु से बल मांगिए।
मध्य में हो प्रभु, आप हमसे बातें कर रहे हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महिमा के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो, आप जीवन को बनाने वाले परमेश्वर हो। आपने मेरे जीवन को बनाया है, थोड़ा 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 करके मुझे बदला है, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जैसा भजनकार कहता है, हर एक चीज जिसमें प्राण है वो परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया, हर एक चीज, हर एक वस्तु जिसमें प्राण है वो परमेश्वर की, बोलिए मैं जीवित है, मैं जीवित हूँ, मैं जीवितों की तरह प्रभु की आराधना करूंगा। आप तैयार हैं? हालेलुया। से
वो भरेगा किसके जीवन को? मेरे जीवन को। हम मिले, हम मिलकर के गाएंगे, यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला, अब भी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू में। हालेलुया। यदि आपके लिए कहीं द्वार बंद हो, पूरे विश्वास से आज कहिए, आज मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में डिक्लेयर करता हूँ, हर एक द्वार आज खुलने जा रहा है। आमेन। शिशु
प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मसीह है, तूने मेरे लिए जीवन दिया है, तू मेरा जीवन दाता है, तेरी आराधना हो, हर परिस्थिति में तेरी महिमा हो, हर परिस्थिति में तेरी आराधना हो, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं तेरी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग ये कहना चाहेंगे आज, चाहे जमीन टूटकर चूर हो तब भी मैं, विश्वास की हर दीप डगमगाए तब भी मैं, यीशु पर भरोसे करने के लायक कुछ भी ना रहे तब भी मैं ये गाऊं कि यीशु तुझ पर ही भरोसा है। वचन में ऐसा लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे पर धीरज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, आप देखना शैतान हमेशा विश्वासियों के पीछे पड़ा रहता है कि ये यीशु पर विश्वास करना छोड़ दे। उसका टारगेट विश्वासी होते हैं कि ये यीशु को त्याग दे, छोड़ दे। लेकिन मैंने और आपने ये जान लिया है कि यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, यीशु ने उसके लहू में मोल खरीदा है, यीशु ने हमको शैतान के हाथों से छुड़ाया है, यीशु ने सारे शापों से हमको छुड़ाया है, हमारे जीवन पर पड़े हुए सारे शापों को यीशु मसीह के नाम में तोड़ा गया है, यीशु के नाम में हमें सब दुष्ट आत्मा और शैतान पर विजयी मिली है। हालेलुया, आइए आज एक भरोसा यीशु पर रखते हुए अपने विश्वास को और जाहिर करते हुए कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ अच्छा या दिखे या ना दिखे, लेकिन मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता आया हूं और रखता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरा प्रभु है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने फिर भी यही कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम सदा सर्वदा धन्य है, और उसने प्रभु के लिए कभी गलत नहीं बोला। आज आप में से कितने लोग हैं जो ये कहना चाहेंगे कि प्रभु मुझे इतना बड़ा कि परिस्थितियां मेरे कदम को डगमगाने ना पाए, मैं गिरने ना लगूं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में और मैं दृढ़ होता जाऊं, अगर मेरे सामने खराब परिस्थितियां आए मेरा विश्वास और अधिक मजबूत होता जाए। आइए मुंह खोल के कहिए, अगर खराब परिस्थितियां आए तो मेरा विश्वास और मजबूत होता जाए, वो शैतान के लिए सबसे बड़ा चांटा होगा। अगर रोग आए और मेरा विश्वास मजबूत होगा, अगर तकलीफ आए और मेरा विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि सब चीजों से छुड़ाने की क्षमता सिर्फ यीशु मसीह रखते हैं। हालेलुया, आइए मिलकर के हम अपने भरोसे को उस पर जाहिर करते हुए गाएंगे, चाहे जमीन टूटकर चूर हो तब भी मैं, विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं।
लोगों को डालने के लिए, उसके लोगों को डालने के लिए जिसमें शैतान ने उसके साथ रहने के लिए बनाया है, उससे बचाने के लिए यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। अपने विश्वास की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, अपने विश्वास की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। आज बोलिए, प्रभु चाहे समय कैसा भी रहे, जेल में निकालना पड़े, जंगल में निकालना पड़े, भूखे रहना पड़े, मार खाना पड़े, आप क्या तैयार हो यीशु के लिए ये कहने के लिए कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, वो ही मेरा उद्धार करता है, वो ही मसीह है। आज कहिए मेरे साथ, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो मैंने कई परमेश्वर के दासों को पूरी जिंदगी 60 साल 60 years जेल में निकालते हुए देखा है, लेकिन उनके परिवार ने पीछे से विश्वास नहीं छोड़ा है। कई सेवक जेल में ही मर गए, उन्होंने अपने प्राण जेल में ही त्याग दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना भरोसे को कायम रखा। आज प्रभु से इस प्रार्थना के साथ, कैसी परिस्थितियां हो जीवन में, मेरा विश्वास कभी डगमगाने ना पाए, मेरा विश्वास कभी तुझ पर से डगमगाने ना पाए। प्रभु तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे बल दे कि मैं हियाव के साथ कह सकूं तुझ पर मेरा भरोसा है। चाहे भले संसार में मुझे कुछ आशीष मिले या ना मिले, दिखे या ना दिखे,
रखने के लिए मदद कीजिए। अपने हाथों को उठाकर कहिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरे विश्वास और बढ़ने पाए, मेरा विश्वास और बढ़ने पाए, मैं तुझे और जानूं और गहराई से जानूं और करीब से जानूं, ताकि मेरे जीवन में भी परिस्थिति आए, चाहे मुश्किल आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे तंगाई आए, चाहे निराशा आए, चाहे बीमारी आए, लेकिन मेरा भरोसा कभी तुझ पर से डगमगाने नहीं पाए। मेरी नजरें इधर उधर ना देखने लगे, मेरी खराब परिस्थितियों में इधर उधर ना देखूं, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखूं, क्योंकि तूने संसार को जीत लिया है, तूने संसार को जीत लिया है। चाहे मेरे मार्ग में अंधियारा छा जाए, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मेरे भविष्य की आशाएं भले धूमिल हो जाए, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि तूने संसार को मेरा मन।
करेगा प्रभु। प्रभु हमारा विश्वास और बढ़े, हम तुझे और जाने, इसके लिए आप अपने वचन से हमसे बात कीजिए।
ताकि हमारा भरोसा और अधिक बढ़े प्रभु, हमारा भरोसा और अधिक बढ़े प्रभु। आप अपने वचनों से हमसे बात कीजिए प्रभु, हम में से हर एक से बात कीजिए प्रभु, हमारे प्रश्न के उत्तर प्रभु आपके वचनों से हमको मिले प्रभु। अपने वचन से हमें सिखा कि हमें कैसे जीना है प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारे मध्य में हो, हम सारा आदर मान और महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।